कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.1 इसका दूसरा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। संप्रायिक, सम मतलब बराबर, प्रायिक मतलब जिनकी प्रायिकता समान होगी, यानी जिनकी प्रायिकता बराबर होगी। इसका मतलब यह है, हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें बताना है कि उनमें से किस किस में जो दो या तीन ऑप्शंस दी गई हैं, सबके होने की जो संभावना है वो बराबर है। तो आइए देखते हैं। इसका जो प्रथम भाग है वो है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जैसे गाड़ी की चाबी लेकर हम गाड़ी में बैठे, सेल्फ मारी, इसको चाबी घुमाने को सेल्फ मारना कहते हैं, तो सेल्फ मारी, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है या गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, क्या इन दोनों के होने की संभावना बराबर है? यस, एक जवाब आया है कि यस, इन दोनों के होने की संभावना है बराबर, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी ही गाड़ी की बात करूं, मैं रोज उसको चलाता हूं और वह सही कंडीशन में है, तो जब मैं जाऊंगा और उसकी चाबी घुमाऊंगा तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर गाड़ी के स्टार्ट होने और गाड़ी के स्टार्ट ना होने की जो प्रायिकता है वह बराबर नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, और यदि गाड़ी रोज चल रही है, रोज स्टार्ट हो रही है पहली ही बार में, तो आज गाड़ी के चलने और ना चलने की जो प्रायिकता है वह बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, इस प्रयोग के परिणाम संप्रायिक नहीं है क्योंकि गाड़ी के चलने की संभावना अधिक है। इसी प्रकार से इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं, वो है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो आप बताइए कि क्या, यदि मान लीजिए एक खिलाड़ी बास्केटबॉल डाल रही है, तो उसके बास्केट में बॉल डालने की संभावना और ना डालने की संभावना बराबर है? नहीं है। इसका कारण यह है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह खिलाड़ी कैसा है, क्या वह एक पेशेवर खिलाड़ी है, रोज प्रैक्टिस करता है, तो उसके डालने की जो संभावना है वो शायद 100 में से 99 होगी, लेकिन अगर मेरे जैसा कोई बेकार खिलाड़ी होगा तो शायद वो 100 में से 100 बारी उस बॉल को बास्केट में नहीं डाल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यदि कोई खिलाड़ी 10 बार बॉल डाले तो 5 बार उसकी बॉल डलेगी और 5 बार उसकी बॉल नहीं डलेगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी दोनों परिणामों की जो प्रायिकता है वह बराबर नहीं है। यहाँ भी हम यही लिखेंगे, इस प्रयोग के परिणाम संप्रायिक नहीं है क्यों नहीं है संप्रायिक, क्योंकि गेंद का डलना खिलाड़ी की क्षमता पर निर्भर करेगा। ठीक है, खिलाड़ी की क्षमता पर निर्भर करता है। क्योंकि गेंद का डलना या ना डलना वह खिलाड़ी की क्षमता, या हम कह सकते हैं कि खिलाड़ी के अभ्यास पर निर्भर करता है। ठीक है, आइए हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं।
एक सत्य असत्य प्रश्न, यानी एक ऐसा प्रश्न जिसके केवल दो ही उत्तर हो सकते हैं, सत्य या असत्य, का अनुमान लगाया जाता है, का अनुमान लगाया जाता है उत्तर सही है या गलत होगा। अब यदि हमें पता ही नहीं उसके बारे में तो, और हमने उसका अनुमान लगाया, जब अनुमान लगाया इसका मतलब ना तो हमें पता है कि वह सत्य है, ना ही हमें पता है कि वह असत्य है। यदि हमने उसका अनुमान लगाया तो उत्तर सही या गलत होने के जो चांसेस हैं या जो संभावना है वह क्या बराबर है या नहीं है? बराबर है, वह बराबर है, क्योंकि जिसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं, हमने सिर्फ उसका अनुमान लगाया है, वह सत्य भी हो सकता है और वह असत्य भी हो सकता है। हम लिखेंगे इस प्रयोग के सभी परिणाम या दोनों परिणाम संप्रायिक हैं। क्योंकि उत्तर सत्य या असत्य होने की संभावना बराबर है। उत्तर के सत्य या असत्य होने की संभावना बराबर है। इसके बाद आखिरी भाग है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, तो आप बताइए कि लड़का या लड़की दोनों के होने की संभावना बराबर है या नहीं है? है, बराबर है। तो हम लिखेंगे इस प्रयोग के दोनों परिणाम, सभी या दोनों परिणाम संप्रायिक हैं क्योंकि लड़का या लड़की होने की संभावना क्या लिखे? बराबर। तो ये था हमारा प्रश्न दो।